नमस्कार साथीहरु, आज हामीले क्लास 10 को ट्रिग्नोमेट्री को क्वेशन नम्बर 6 हामीले गरिसकेथे अस्ति, फेरि 7 पनि गर्यो, अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाऊ है त। ल अब क्वेशन नम्बर 8 मा हामीलाई के दिएको छ भने इफ cos थीटा इक्वल्स टु 1 अपॉन 2 a plus 1 अपॉन a देन प्रूव दैट cos 2 थीटा इक्वल्स टु 1 अपॉन 2 a स्क्वायर plus 1 अपॉन a स्क्वायर। ल अब यहाँ निर हामीलाई cos 2 थीटा भनेको यो भ्यालु प्रूव गर्नु छ र cos थीटा के भ्यालु दिएछ भनेपछि हामीले कुन फर्मुला लाउन मिल्छ त cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फर्मुला लाउन मिल्छ। cos थीटा को भ्यालु त हामीलाई दिएछ नि त, यो भनेको त 2 cos थीटा को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ माइनस 1। ल cos थीटा को भ्यालु लिएर हामी यहाँ निर के हुन्छ 2 जस्ताको त्यस्तै अनि 1 अपॉन 2 अनि a plus 1 अपॉन a को होल स्क्वायर अनि माइनस 1। ल अब त्यस पछाडी 2 अब 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर भनेको 1 अपॉन 4 अनि a plus 1 अपॉन a को होल स्क्वायर भनेको यो के हुन्छ a स्क्वायर a plus b को होल स्क्वायर हुन्छ है। त ल a स्क्वायर plus 2 into a into 1 अपॉन a plus 1 अपॉन a को स्क्वायर अनि होल ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। अब यो 2 र 1 अपॉन 4 काट्दा खेरि हाम्रो के हुन्छ 1 अपॉन 2 बच्छ अनि a स्क्वायर यो a र a पनि काटिन्छ यहाँ के बच्छ plus 2 मात्रै अनि plus 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। अब यो 1 अपॉन 2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ यो के हुन्छ a स्क्वायर अपॉन 2 अनि 2 र 2 काटिन्छ यो भनेको प्लस 1 मात्रै बच्छ अनि 1 अपॉन 2 a स्क्वायर र माइनस 1 माइनस 1 टु प्लस 1 पनि काटिन्छ अब एउटा बच्छ दुईटामा के कमन छ हाम्रो 1 अपॉन 2 कमन छ बचेर के हुन्छ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बच्छ। ल 8a भयो अब त्यसपछि हामीले कुन गर्छौ 8b गर्छौ। ल अब if sin theta equals to 1 upon 2 b plus 1 upon b then prove that cos 2 theta equals to minus 1 upon 2 b square plus 1 upon b square भनेर दिएको छ। हामीलाई के प्रूव गर्न छ cos 2 theta भनेर प्रूव गर्नु छ तर भ्यालु के को दिएछ sin theta को भ्यालु दिएछ भनेपछि cos 2 theta को फर्मुला हामीले लगाम इन टर्म्स अफ केमा sin मा 1 minus 2 sin square theta। अब sin को भ्यालु त दिएछ नि त भनेपछि हामीले 1 minus 2 यहाँ निर 1 upon 2 अनि b plus 1 upon b अनि यहाँ निर होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ है त। फेरि 1 minus 2 अनि 1 upon 2 को होल स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 1 upon 4 हुन्छ अनि यहाँ निर b plus 1 upon b को होल स्क्वायर गर्दा खेरि a plus b को होल स्क्वायर भने जस्तै हो अनि फर्मुला पनि हामीले लगाउन मिल्छ यो भनेको b स्क्वायर plus 2 into b into 1 upon b plus 1 upon b को स्क्वायर। ल अब त्यस पछाडी 1 minus 2 upon 4 काट्दा खेरि यहाँनिर के हुन्छ 1 upon 2 हुन्छ अनि यहाँनिर b स्क्वायर यो b b काटिन्छ के बच्छ 2 बच्छ फेरि यहाँनिर प्लस 1 upon b स्क्वायर। ल अब यो 1 upon 2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दिम के हुन्छ हाम्रो 1 minus b स्क्वायर upon 2 minus 1 यो 2 र 2 काटिन्छ अनि minus 1 upon 2 b स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 पनि काटियो दुईटामा के कमन छ माइनस 1 अपॉन 2 कमन छ यहाँबाट हाम्रो के बच्छ त b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर जो कि हाम्रो प्रुफ गर्नु भने छ आन्सर पनि आउँछ। ल त्यस पछाडि अब हाम्रो c नम्बरको क्वेशन छ यहाँ निर c नम्बरको क्वेशनमा हामीले sin 3 बीटा प्रुफ गर्नु भनेको छ sin 3 बीटा भनेपछि हामीले कुन फर्मुला लगाउनु पर्छ र sin के भ्यालु दिएछ भनेपछि कुन फर्मुला लगाउने त sin 3 beta equals to 3 sin beta minus 4 sin cube beta। ल अब sin beta को भ्यालु हामीले के गर्नु हुन्छ डाइरेक्टली लिएर गरेर राख्न मिल्छ राखौ 3 sin beta भनेको यहाँ निर 1 upon 2 अनि k plus 1 upon k फेरि 4 अनि यहाँ निर 1 upon 2 को होल क्यूब 1 upon 2 अनि k प्लस 1 अपॉन k अनि यहाँ निर होल ब्रैकेट मा क्यूब। ल यो भनेको त के हुन्छ 3 अपॉन 2 अनि k प्लस 1 अपॉन k बच्छ अनि यहाँ निर 4 अनि 1 अपॉन 2 को होल क्यूब गर्दा खेरि कति हुन्छ 1 अपॉन 8 हुन्छ अनि k प्लस 1 अपॉन k को होल क्यूब को फर्मुला भनेको a प्लस b होल क्यूब को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त म डाइरेक्टली गरौँ है त अलिकति k क्यूब प्लस 1 अपॉन k क्यूब अनि प्लस 3 k इन्टु 1 अपॉन k अनि यहाँ निर k प्लस 1 अपॉन k हामीले योला फर्मुला हामी कस्तो वाला फर्मुला लगाउँ भन्दा खेरि यहाँ म लेख दिन्छु a प्लस b होल क्यूब इक्वल्स टु a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अनि a प्लस b वाला हामीले फर्मुला युज गरिरहेका हामी त।
ल यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट भी हटाएन बुझ्नु होला त 3 अपन 2 यहाँ नि के प्लस 1 अपन के अनि यो 4 अपन 8 बाहिर आउँदै थियो कति हुन्छ 1 अपन 2 हुन्छ अर्को स्टेपमा लेखौँ है ल यसलाई के क्यूब प्लस 1 अपन के क्यूब अनि यहाँ नि के काटिन्छ के बच्छ यहाँ नि प्लस 3 मात्रै अनि के प्लस 1 अपन के ल अब नेक्स्ट स्टेपमा 3 अपन 2 के प्लस 1 अपन के 4 अपन 8 भनेको माइनस 1 अपन 2 अनि यहाँ नि के क्यूब प्लस 1 अपन के क्यूब प्लस 3 के प्लस 1 अपन के ब्रैकेट क्लोज ल अब यो 1 अपन 2 ले चाहिँ यहाँ नि मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ 3 अपन 2 के प्लस 1 अपन के अनि माइनस के क्यूब अपन 2 माइनस 1 अपन 2 के क्यूब अनि माइनस 3 अपन 2 अनि के प्लस 1 अपन के अब यहाँ के काटिङ जस्तो के छ यो टर्म र यो टर्म काटिन्छ ल अब त्यसपछि यो दुई टर्म बच्छ यहाँनिर के कमन छ माइनस 1 अपन 2 अनि के क्यूब प्लस 1 अपन के क्यूब जो कि हाम्रो प्रुफ गर्न भनेको थियो हाम्रो प्रुफ पनि भयो ल यति भन्दै आजको भिडियो हाम्रो सकिन्छ साथीहरूलाई चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो है त ल धन्यवाद।